पढ़कर शिव जी से अपने हृदय की बात कहकर मेरे देवाधिदेव महादेव से दिल से कहकर अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है, आपको बताया है अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है ये शिवलिंग या अशोक सुंदरी की जगह, इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर जहाँ शिवलिंग है, शिवलिंग की साइड पर पहले नंबर की पत्ती का मुख होना चाहिए, बस उसको रख दीजिए और उस पर थोड़ी देर हाथ रखकर अपने हृदय की बात मेरे महादेव को दिल से कहकर आ जाइए। अगली सोमवार की अष्टमी या अगला प्रदोष या अगली शिवरात्रि जब आती है, मेरा महादेव आपकी मनोकामना का भाव पूर्ण करता है। ये शिव तत्व है। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिएगा, सोमवार की अष्टमी, शिवरात्रि या सोमवार, प्रदोष बन सके तुम्हारे पास में शिवालय हो या बेलपत्री का वृक्ष हो, वहां दीप दान अवश्य करना चाहिए। अब एक बात का स्मरण आपको रहे थोड़ा सा, अगर किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन कर कर लगा सकते। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो तो एक ही दीप में दो बाती शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई शिव और शक्ति के नाम से, दो बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते। पर कब, जब विशेष कोई आपका कार्य हो और वो अटक रहा है, विशेष कोई कार्य और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो तो दो बाती का भी प्रयोग आप कर सकते हो। ऐसे शिव तत्व, शंकर भगवान को धतूरा कब चढ़ाना चाहिए उसका विशेष ध्यान रखें, जिससे शिवरात्रि है, प्रदोष है या सोमवार है या कोई विशेष आपका उत्सव है, तो आप शिव जी को धतूरा चढ़ा सकते। या विशेष कोई बीमारी ऐसी लग गई है या विशेष कोई तकलीफ ऐसी हो गई है जिसका निवारण नहीं हो तो आप धतूरा चढ़ाने का भी एक क्रम है। हल्दी में भिंगो कर धतूरा चढ़ाया जाता है लक्ष्मी के लिए, चंदन में भिंगो कर धतूरा चढ़ाया जाता है आयु की वृद्धि के लिए, अबीर, अबीर एक सफेद कलर का पाउडर होता है, अबीर गुलाल जो होती है गुलाल में अबीर डलता है, चमकदार आपने देखा होगा अबीर, तो अबीर में धतूरा जो डुबो कर चढ़ाया जाता है, अबीर को लगा कर चढ़ाया जाता है, वो रोग मुक्ति का काय के लिए होता है, वो रोग मुक्ति, रोग की मुक्ति। धतूरे का भी स्मरण होता है महाराज, बहुत भारी रोग है, बीमारी लग गई है, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, घर का व्यक्ति बहुत बीमार हालत में पड़ा हुआ है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी शिवलिंग का निर्माण कर कर एक धतूरा समर्पित करा जाता है जिससे रोग से मुक्ति होती है। उसमें ना तो हल्दी लगाई जाती है, ना चंदन लगाया जाता है, ना भीड़ लगाया जाता है, केवल धतूरा। जिसके जीवन में हमेशा कांटे ही मिले हैं, बेटी बड़ी हुई तो घर में मायके में दुख देखा और मायके से गई ससुराल में तो ससुराल में दुख देखा, ससुराल में भी दुख देखने के बाद में भी पति को बहुत कुछ काम खुलवाया, बहुत धंधे खुलवाए, नौकरी लगवाई, पर वो पति बार बार छोड़कर आ गया, बार बार तकलीफ भोग रहा है, बार बार कष्ट भोग रहा है, फिर थोड़े दिन काम करता है, थोड़े दिन छूट जाता है, फिर व्यापार में बढ़ता है, फिर छूट जाता है, फिर कोई दुकान खुल गई, थोड़े दिन अच्छी चली, फिर वापिस वही घर पर आकर बैठ गया, अर्थात उसके जीवन में वो शून्य तक चल रही है। तो बाबा देवाधिदेव महादेव कहते हैं ये तीन घड़ी, तीन पल, तीन नक्षत्र, तीन समय, तीन दिन में जो शूल मुझे समर्पित करता है उसके जीवन से मैं शूल हटा देता हूं।
वो 3 दिन लिखे स्कंद पुराण। महाराज, बैसाख महीने में जो प्रदोष आती है, बैसाख के महीने में, बहुत ध्यान से सुनना भाई, जो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गए हो, परेशान हो गए हो, कष्टमय जीवन जी रहे हो, बहुत दुखी हो गए हो, उनके लिए ये स्कंद पुराण का चरित्र फिर मिले ना मिले आप प्रेम से सुन लो। आओ, पहला बैसाख महीने की प्रदोष, चाहे वो शनिचरी प्रदोष हो, चाहे रविवार की हो, सोमवार की हो, मंगल की हो, बुधवार की हो, गुरुवार की हो, शुक्रवार की हो, शनिवार की हो, कोई भी वार की हो, पर बैसाख महीने की प्रदोष, प्रदोष काल में शाम का समय, सूर्य डूब रहा हो, बस डूबा ही हो, और उस समय पर सूर्य के डूबन के तुरंत बाद बाबा को धतूरे के साथ में बेलपत्री ना चढ़ाते हुए बेलपत्री के वृक्ष के साथ काटे बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करे जाते हैं। महाराज, अपनी जिंदगी में अड़चनों को हटाने के लिए, फिर आप जिस व्यापार में उतरे, जिस व्यवसाय में उतरे, जिस नौकरी में उतरे, आप दिल से करें, आपको तरक्की मिलेगी, आप हार नहीं सकते, नीचे नहीं आ सकते। श्री शिवाय नमस्तुभ्य। अगर आपको ये उपाय पसंद आए हो तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आप ये सारे उपाय करिए, आपको जरूर लाभ होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा बताए गए उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।